गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि जैसे शब्द आते हैं तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। दो तरह का सेंटेंस बनता है इसमें। तो हम पहले अफर्मेटिव और निगेटिव पढ़ा चुके हैं, तो आज हम लोग पढ़ाएंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव इस होता है प्रश्नवाच्य, और ये शॉर्ट फार्मूला हमने लिखा हुआ है। अगर बिफोर से यूज हो, पहले हमने ये बताया है कि दो सेंटेंस को जोड़कर बिफोर या आफ्टर आता है, तो अगर बिफोर यूज है यानी से पहले, तो हम उसके बाद वाला, से पहले के बाद वाले सेंटेंस को पहले ही लिखेंगे और इस फार्मूले पर लिखेंगे। जैसे डब्ल्यू फॉर प्रश्नवाचक शब्द है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट बिफोर, और फिर दूसरा सेंटेंस जब लिखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। क्या राम के आने से पहले मोहन स्कूल जा चुका था? अब ये हो गया, हमने यहाँ डब्ल्यू से किया है तो इसका मतलब यह होता है कि प्रश्नवाचक शब्द, लेकिन अगर क्या पहले दे देता है तो जो सेंटेंस हम पहले लगाएंगे उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, एक सेंटेंस तो ये हो गया और से पहले के बाद से ये दूसरा सेंटेंस, इसी को से पहले के बाद वाले सेंटेंस को हम पहले लिखेंगे लेकिन उसकी सहायक क्रिया पहले लिख देंगे तो वो क्या की मीनिंग बताएंगे। तो अब ये जब से पहले है तो हैड, ये इंडिकेट क्या कर रहा हैड लिखने को, तो हम पहले लिख देंगे हैड, हैड मोहन गॉन टू स्कूल बिफोर राम केम। तो अब दूसरा सेंटेंस है कि डब्ल्यू फॉर प्रश्नवाचक वाक्य, डिड सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट आफ्टर सब्जेक्ट हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल है, राम के आने के बाद मोहन स्कूल क्या जा चुका था? अब के बाद दिया है तो इसको भी हम पहले ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द दिया है तो इसकी अंग्रेजी है। अब वाक्य के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द देता है तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं। अब क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? व्हाट, यानी व्हाट लिख दिए, फिर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा उसके बाद। तो डिड, व्हाट डिड मोहन गो टू स्कूल आफ्टर राम हैड कम केम कम, यानी कम ही से थर्ड फॉर्म भी हो जाता है, तो ये सेंटेंस बनेगा, व्हाट डिड मोहन गो टू स्कूल आफ्टर राम हैड कम। तो एक छोटी सी प्रयास थी बच्चों को समझने के लिए। वो अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।